हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाया हूँ। तो मिदनापुर रविंद्रनगर में जितने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना है कि डॉक्टर किस दिन चैम्बर में बैठता है और किस दिन नहीं बैठता है और उनका और डॉक्टर का विजिट कितना है। हर एक डॉक्टर का विजिट चार्ज अलग है, तो मैं सबका विजिट बताने वाला हूँ। टोटल आज 11 डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाने वाला हूँ। और मेरे चैनल पर कोई नहीं होंगे दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दे इस भाई को। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट सकता है। और एक दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको कॉल करके टोटल डिटेल या कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ डॉक्टर के। डॉक्टर सब्यसाची राय, इनका चैम्बर हफ्ते में एक दिन बंद रहता है बृहस्पतिवार को। और इनके यहाँ अगर नाम लिखवाना है तो आपको सुबह 8 बजे से 12 बजे के अंदर नाम लिखाना पड़ेगा। अगर पेशेंट का नाम ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपका पेशेंट का नाम नहीं दिखेंगे। और इनके यहाँ अगर नाम लिखवाना है तो आपको एक दिन पहले फोन करके नाम लिखवाना पड़ेगा दोस्तों। डॉक्टर तन्मय मंडल, इनका चैम्बर खुला रहता है सोमवार से रविवार तक, हफ्ते में एक दिन बंद रहता है बृहस्पतिवार को। दोनों ही टाइम चैम्बर खुला रहता है, सुबह और शाम पेशेंट देखते हैं। और स्क्रीन में बाकी डिटेल्स दिख रहा होगा नाम लिखवाने के लिए पेशेंट का, तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पेशेंट का अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर सुबह दिखाना है तो एक दिन पहले नाम लिखवा लेना, या आप सुबह भी कॉल कर पेशेंट का नाम नहीं लिखवाए हैं और पेशेंट लेकर जाना चाहते हैं उनके पास, तो इनके पास आप पेशेंट का नाम लिखाए बगैर जा सकते हैं। तो जितना पेशेंट का नाम लिखा हुआ है उनको देखने के बाद ही आपको पेशेंट को देखेंगे आखिरी में। अगर उसके अगर अर्जेंट होगा तो बीच में देख देते हैं, आप उनका कंपाउंडर को बोलिएगा तो डॉक्टर साहब देख देते हैं। डॉक्टर एमबी मलिक, इनका चैम्बर बंद रहता है मंगलवार और बृहस्पतिवार, बाकी हफ्ते में हर रोज इनका चैम्बर खुला रहता है। दोनों ही टाइम पेशेंट देखते हैं, सुबह में देखते हैं 9 से 12, शाम में देखते हैं 6:30 से 8। और इनके यहाँ नाम लिखाने का प्रोसेस चालू होता है सुबह 7 बजे से। सुबह में पेशेंट देखते हैं 50, शाम में पेशेंट देखते हैं 20, तो इसके अंदर आपको नाम लिखवाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी कंपाउंडर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इनके चैम्बर में जाके भी नाम लिखा सकते हैं या फोन करके भी नाम लिखा सकते हैं दोस्तों। डॉक्टर एन एन हाइट, डॉक्टर एन एन हाइट का चैम्बर खुला रहता है सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार को बंद रहता है और रविवार को खुला रहता है। सोमवार से शुक्रवार तक दोनों ही टाइम पेशेंट देखते हैं, रविवार को सिर्फ सुबह में पेशेंट देखते हैं। और सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पेशेंट देखते हैं और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। शनिवार को इनका चैम्बर बंद रहता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, कंपाउंडर का नंबर भी है, इस नंबर पे आप लोग फोन करके अपना पेशेंट का नाम लिखा सकते हैं। और इनके पास भी अगर नाम लिखवाना है तो एक दिन पहले आपको नाम लिखाना पड़ेगा। अगर शाम में दिखाना है तो सुबह कॉल करके आप लोग अपना पेशेंट का नाम लिखा सकते हैं। तो इनका भी दोस्तों यहीं पे इन्फॉर्मेशन खत्म हो रहा है। डॉक्टर दीपांकर मंडल, इनका चैम्बर खुला रहता है सोमवार से शनिवार तक और रविवार को इनका चैम्बर बंद रहता है। पेशेंट देखते हैं सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, बीच में लंच टाइम होता है इनका 3 से 4 बजे तक। और इनके पास अगर नाम लिखवाना है आपको पेशेंट को, तो इनके पास थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन पहले आपको नाम लिखवाना पड़ेगा अपना पेशेंट को। अगर आपको बुधवार को अपना पेशेंट को दिखाना है तो सोमवार को इनको नाम लिखवाना पड़ेगा इनके पास। और नाम लिखवाना चालू होता है 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इनके यहाँ नाम लिखाया जाता है, लेकिन आपको 2 दिन पहले नाम लिखवाना पड़ेगा। इनका थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन थोड़ा सा अलग है दोस्तों। तो दोस्तों, इनका भी इन्फॉर्मेशन बस इतना ही है, और बाकी आपका इन्फॉर्मेशन तो आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कंपाउंडर का नंबर भी है, आप लोग फोन करके अपना पेशेंट का नाम लिखवा सकते हैं। डॉक्टर एन माधुरी, इनका चैम्बर खुला रहता है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, हफ्ते में 3 दिन चैम्बर खुला रहता है और सुबह 9 बजे से पेशेंट देखना चालू हो जाता है। और इनके यहाँ भी नाम लिखाने का एक ही तरीका है, एक दिन पहले नाम लिखवा सकते हैं या जिस दिन आप दिखाना चाहते हैं उस दिन सुबह में कॉल करके आप लोग नाम लिखवा सकते हैं इनके पास भी। तो दोस्तों, इनका भी इन्फॉर्मेशन बस इतना ही है, और बाकी डिटेल्स आप लोगों को विजिट और इनका कंपाउंडर का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। डॉक्टर हिमाद्री नायक, इनका हर रोज चैम्बर खुला रहता है, किसी दिन बंद नहीं रहता है। तो दोस्तों, इनका भी इन्फॉर्मेशन बाकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंपाउंडर का नंबर भी और विजिट कितना है सभी आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर पेशेंट लेके जाना चाहते हैं तो इनका भी यहाँ पर कंपाउंडर को फोन करके नाम लिखा के आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर अतनु सामंत, सोमवार और मंगलवार बाकी दिन चैम्बर खुला रहता है, दोनों ही टाइम पेशेंट देखते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम में 6 बजे से 8 बजे तक। और इनके यहाँ भी नाम लिखाने का प्रोसेस सेम है, आपको एक दिन पहले नाम लिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर शाम को आप दिखाना चाहते हैं तो
तो आप सुबह में फोन करके नाम लिखवा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, आप फोन करके कमांडर को। डॉक्टर किंकर सिंह दोस्तों, इनका नाम नंबर और विजिट मुझे पता है, जिस दिन चेंबर गया था बनता, तो बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। अगर इनके पास जाना पेशेंट लेके, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बाकी डिटेल्स जान लेना दोस्तों।